हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल, और कंपैरिजन का पॉइंट क्या होगा फॉर द मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेंपरेचर। इसके पहले की क्लास में हमने बात कर कंपैरिजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ सेम प्रेशर एंड हीट इनपुट। ओके, उसमें हमने ये देखा था कि डीजल साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। ओके, और ड्यूल साइकिल आती है और सबसे कम किसकी होती है? ऑटो साइकिल की। और रीजन क्या दिया था हमने वहां पर? रीजन ये दिया था कि हीट रिजेक्शन किसमें ज्यादा था? हीट रिजेक्शन सबसे ज्यादा किसमें था? ऑटो साइकिल में था। और हीट रिजेक्शन सबसे कम किसमें था? डीजल साइकिल में था। इसलिए डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी थी वो ज्यादा थी, क्योंकि वो वर्क सबसे ज्यादा देता। अगर हीट रिजेक्ट कम हो रही, दोनों में हीट सप्लाई सेम हो रही है, तो डेफिनेटली वर्क जो होगा डीजल साइकिल में ज्यादा होगा। उसी सीरीज में हम आगे नेक्स्ट हम कंपेयर कर रहे हैं तीनों साइकिल की एफिशिएंसी फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पीवी डायग्राम ओके। डीजल साइकिल का डायग्राम क्या होता है? तो एडियाबेटिक कंप्रेशन 1 to 2, 2 to 3 इज हीट एडिशन, 3 to 4 एक्सपांशन एंड 4 to 1 इज हीट रिजेक्शन। ओके, 2 to 3 हीट एडिशन, 3 to 4 एक्सपांशन एंड हीट रिजेक्शन। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 ये कौन सी साइकिल हुई? डीजल साइकिल। कौन सी साइकिल हुई? डीजल साइकिल। इसी में हम क्या बनाएंगे अब? ऑटो साइकिल। ओके, कंडीशन क्या रखेंगे? प्रेशर सेम हो, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर मैं कंप्रेशन रेशियो डीजल का ही रख दूं ऑटो साइकिल में, मतलब जो कंप्रेशन रेशियो डीजल में मैंने लिया, कितना लिया? V1/V2। यही कंप्रेशन रेशियो अगर मैं ऑटो में रख दूं तो होगा क्या कि प्रेशर ऑटो में ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक अगर मैंने कंप्रेशन किया ऑटो साइकिल में एंड देन हीट ऐड करूंगा, तो लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, ऊपर ऐसी चली जाएगी, और उसके बाद क्या होगा? एक्सपांशन होगा। तो आप देखिए कि प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, इसलिए हमें क्या करना होगा? प्रेशर सेम रखने के लिए कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल में घटाना पड़ेगा। तो हम कंप्रेशन रेशियो क्या कर रहे हैं? 1 to 2 ना जाके हम जा रहे हैं 1 to 2 dash। 1 to 2 dash में कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हीट ऐड कर रहे हैं। ओके, हीट ऐड कर रहे हैं, और हीट एडिशन किस पर होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। 2 to 3 इज द हीट एडिशन। ओके, 1, 2 dash 3 and 4 ये कौन सी प्रोसेस है? ये कौन सी साइकिल है? ये साइकिल है हमारी 1, 2 dash 3, 4, ये हमारे पास ऑटो साइकिल। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम क्या करें? टीएस डायग्राम बनाएं। ओके, क्या बनाएं? टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम यहां बना लेते हैं। ये टीएस डायग्राम है। टीएस का मतलब क्या है? टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। देखिएगा ध्यान से बात। 1 to 2 इज कंप्रेशन डीजल में, एंड देन हीट एडिशन 2 to 3, एंड देन एक्सपांशन, एंड देन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, 1 to 2 dash कंप्रेशन कम हो रहा है, तो टेम्परेचर भी एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन क्या होगा? कम होगा, और डीजल के केस में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो 2 dash वाला पॉइंट यहां है। इसके बाद हीट ऐड होगी, लेकिन टेम्परेचर दोनों का क्या रखना है? सेम। T3 दोनों का सेम रखना है। तो हम क्या करें, यहां से क्या करें? हीट ऐड करें स्लोप ज्यादा रखते हुए, स्लोप ज्यादा रखेंगे, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर तक, जितना टेम्परेचर मान के चलिए 2000 केल्विन डीजल में है, तो हीट इतनी ऐड करना है कि टेम्परेचर ऑटो साइकिल में भी कितना हो जाए? 2000 केल्विन हो जाए। तो 2 dash to 3 हीट एडिशन ऑटो साइकिल में, 2 to 3 हीट एडिशन किसमें है? डीजल साइकिल में। ओके, तो हीट सप्लाई 2 to 3 किसमें है? ये डीजल में। ओके, और हीट एडिशन या हीट सप्लाई 2 dash to 3 ये किसमें है? ऑटो साइकिल में। क्लियर?
नेक्स्ट अब हम बात करें कि किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। आपने प्रेशर सेम रख दिया, टेम्परेचर सेम रख दिया, और अगर आपको इफिशियंसी को कंपेयर करना है तो ध्यान से देखिए बात। हमने क्या किया, प्रेशर को सेम रख दिया और टेम्परेचर को सेम रख दिया। अब उसको ध्यान से देखिए बात, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें किसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी। देखिए हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड देख रहे हैं यहां पर हम। देखिए 2 to 3 में इसके नीचे का जो एरिया होगा, ये एरिया आपको क्या दे देगा, हीट सप्लाई। क्या दे देगा, हीट सप्लाई। ये एरिया आपको हीट सप्लाई दे देगा, ये एरिया हीट सप्लाई किसमें, डीजल में। और 2 to 3 आपको हीट सप्लाई देगा किसमें, डीजल साइकिल। ये डीजल साइकिल की हीट सप्लाई, इसकी डीजल साइकिल की हीट सप्लाई 2-3, ये डीजल साइकिल की हीट सप्लाई है, 2-3 सॉरी ऑटो साइकिल की हीट सप्लाई। आपको क्लियर कट इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि एरिया किसका ज्यादा है, डीजल का 2-3 के नीचे का एरिया ज्यादा है और 2-3 का एरिया कम है। कितना कम है आप ये देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या है, कम, ये एरिया कम, इतना कम है। डीजल में इतना एरिया ज्यादा है, ऑटो में इतना ही एरिया क्या है, कम। हीट सप्लाई डीजल में क्या है, ज्यादा। ओके, हीट सप्लाई डीजल में ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑटो साइकिल। अब हीट रिजेक्शन की बात कर लेते हैं। हीट रिजेक्शन के लिए तो एक ही लाइन है, यही लाइन हीट रिजेक्शन डीजल की भी है और यही लाइन हीट रिजेक्शन ऑटो की भी है, तो इसके नीचे का एरिया आपको क्या देगा, हीट रिजेक्शन देगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया आपको हीट रिजेक्शन देगा। दोनों में हीट रिजेक्शन क्या है, सेम। तो हीट रिजेक्शन अगर हम डीजल की बात करें, डीजल की हीट रिजेक्शन डीजल की बात करें तो ये किसके बराबर है, हीट रिजेक्शन ऑटो के बराबर है। दोनों का हीट रिजेक्शन सेम है लेकिन सप्लाई डीजल की ज्यादा है, तो डेफिनेटली वर्क डीजल में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डीजल का जो वर्क है वो किससे ज्यादा है, ऑटो साइकिल से ज्यादा है। डीजल का वर्क ऑटो साइकिल से ज्यादा है। जब डीजल का वर्क ऑटो साइकिल से ज्यादा है तो ये बात श्योर है कि डीजल की इफिशियंसी क्या होगी, डीजल की इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी। और सबसे लास्ट में किसकी आएगी, सबसे लास्ट में आएगी ऑटो साइकिल, सबसे लास्ट में क्या आएगी, ऑटो साइकिल। अब ये चारों पॉइंट को हम कंक्लूड करते हैं और याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज पूछी जाती है, ये 100% पूछी जाएगी। अगर आपसे साइकिल से क्वेश्चन बना तो आपसे ये डेफिनेटली पूछा जाएगा कि मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर में किसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी। तो याद कैसे किया जाए, ओके, याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल है। अगर कंप्रेशन रेशियो का टर्म आ रहा है कि फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, अगर कंप्रेशन रेशियो का टर्म आ रहा है तो दोनों ही केस में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। और अगर टर्म आ रहा है मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर हीट इनपुट, मैक्सिमम प्रेशर मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रेशर का टर्म आ रहा है तो डीजल आगे आ जाएगा, डीजल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, सिंपल। बाकी रीजन आपको अगर ध्यान रखना है तो रीजन के लिए आप डायग्राम बनाइए। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आप सिंपली ये टीएस डायग्राम से भी जरूरत नहीं है, पीवी डायग्राम की बात अगर हम करें तो आपको ये मालूम है कि पीवी के अंदर का एरिया क्या होता है, आपको वर्क देता है। अब देखिए ये डीजल का एरिया ज्यादा है, ऑटो का एरिया कम है, तो डेफिनेटली यहां तक कंक्लूजन इसके थ्रू पहुंचने से बेहतर है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आंसर कर रहे हैं तो आप सीधे पीवी डायग्राम बनाइए। देखिए इसका एरिया ज्यादा है तो डीजल का वर्क ज्यादा होगा और ऑटो का वर्क क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऑटो का एरिया इतना ही, ऑटो का इतना ही एरिया और डीजल का ये एरिया पूरा है, ऑटो का एरिया कम है, ऑटो का पीवी का एरिया कम है, तो डेफिनेटली ऑटो का वर्क कम होगा और वर्क कम होगा तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कम होगी, वो सबसे लास्ट में आएगी, और डीजल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी और ट्वेल क्या होगी, इन दोनों के बीच में आएगी। ओके, तो ये चार पॉइंट्स जो हमने लगातार पढ़े, ये आपको ये चारों पॉइंट्स समझ में आने चाहिए और इन चारों पॉइंट्स को आपको बिल्कुल टिप पे रखना है, याद रखना है कि किसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी और किसकी इफिशियंसी सबसे कम होगी और उन उसका रीजन क्या है,
ज्यादा या कम होने का रीजन क्या है? रीजन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल आप रीजन पूछ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।